13/4/2023 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार की आज की प्रमुख खबरें। राजधानी पटना को मेट्रो सिटी बनाने को लेकर कवायद जारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत टनल खुदाई कार्य शुभारंभ के दौरान कहा कि मेट्रो ट्रेन कई जगहों पर जमीन के ऊपर एवं कहीं ऊपर अंडरग्राउंड चलेगी। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी जमीन के अंदर ही बनेगा। यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो काफी बढ़िया दिखेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ पर मेट्रो निर्माण हो जाने से पटना के लोगों को काफी सहूलियत होगी। यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। जब ये बन जाएगा तो सभी लोग मेट्रो से चलेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता हेतु अग्निशमन सेवा सप्ताह को लेकर बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गैस सिलेंडर से खाना बनाने के दौरान आग से सुरक्षा एवं बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि जिला प्रशासन द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आगामी थावे महोत्सव 2023 की तैयारियों को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने महोत्सव के सफल आयोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिलाधिकारी श्री अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जाति आधारित गणना से संबंधित सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने गणना के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। उन्होंने जिला स्तर पर चिन्हित 0 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किशनगंज के जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में मद निषेध की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम हेतु सघन छापेमारी करने के निर्देश दिए। सारण के जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने ईवीएम वेयर हाउस में चल रहे नए ईवीएम के एटीपी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वेयर हाउस की पूर्ण साफ सफाई तथा परिसर में वृक्षारोपण हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अरवल के जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह ने समरणालय परिसर के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर भवन निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।